Regarding Yazid, may Allah have mercy. Regarding Yazid, may Allah have mercy. And I said, may Allah have mercy on him. May Allah have mercy on him. I said to Yazid, conference went very fine. Few days later, from Pakistan, the Shias of Pakistan, no! How did he say, Yazid, rahimullah, may Allah have mercy? Big controversy. Before that, Shias used to call me to give talks because I was on comparative religion. फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी मैं अभी चंद इसी मुहर्रम से कबल एक बात सुना किसी लकवा मारे हुए आदमी को ये कहते हुए सुना हाँ रियालों ने जिसका लकवा मारा है जिसके अकीदे पर ये दो शहजादों की लड़ाई थी करबला की दो शहजादों की लड़ाई थी यानी हजरत हुसैन हजरत अली के शहजादे और यजीद मा, अमीर माविया का शहजादा आपस में दो बड़े बड़े लोगों के बेटों की लड़ाइयां थी इस बेवकूफ़ को मालूम कहाँ कहाँ किस को शहजादा कर रहा है किसको शहजादा कह रहा है हाँ हुसैन इबन आली रबा तलाकिन शहजादे रसूल हैं लेकिन यजीद को शहजादा कहा जाएगा पलीद जाद, पलीद है जिसके नाम के साथ हम पलीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये शहजादों की लड़ाइयां नहीं थी हक और बातिल की लड़ाई थी हक व बातिल की लड़ाई थी और ना ही दो खानदानों की लड़ाई थी और ना ही यह सियासत का मामला था जैसे आज कुछ लोग ये भी पेश करना चाहते हैं जैसे पहले ये जोकर नायक कहता था कि ये सियासत का मामला था ये सियासी मामला थे जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो गई इनको ऐसा लगता है कि सियासत उस वक्त ऐसी ही थी जैसे इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए जगह जगह घूमना पड़े अरे हुसैन हजम है हुसैन आजम रसूल्लाह के नवाज़ से हैं अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत और कुवत अता की थी वो चाहते तो पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम कर लेते उन्होंने मेरे आका के फ़्रो फिर को पसंद किया अगर उनको हुकूमत ही प्यारी थी और सियासत ही करना था तो अपने बाप के इंतकाल के बाद फौरन खड़े हो जाते हजरत अमीर माविया बीस साल तक खलीफा रहे तब तक इमाम हुसैन ने नहीं मुतालबा किया अगर उनको यही सब शौक था बादशाहत का सियासत का तो वो तो हजरत अली के बेटे थे खिलाफत हजरत अली के बाद खत्म हो रही थी तो वो दावा कर सकते थे कि मेरे बाप की खिलाफत अब मुझे आए नहीं दावा किया कभी यहां से यह बात समझ में आती है बीस साल के बाद अगर वो मदीने से उठ रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर उठ रहे हैं कि नबी कौनैन के दीन पर कोई गद्दार और फासिक को फाजिर कुर्सी न बिछा सके और आज तक मेरे अजीजों उसका असर देखने को मिलता है हुसैन आजम का एक मर्तबा खड़ा हो जाना उस जमाने में उसका असर आज तक दिखता है मुझे बताओ किस मस्जिद के इमाम को आप चोर रखते हैं चोर वाल दकेत हो लफंगा हो अनाड़ी हो टपोरी हो जिस तरह का भी हो उसे इमाम बनाते हैं आप क्यों नहीं बनाते बिजनेस तो करते हैं सब कुछ करते हैं ऐसे लोगों के साथ लेकिन मुसल्ले पर आप हर चीज देखते हैं दाढ़ी पूरी है कि नहीं कपड़े सही है कि नहीं दाग तो नहीं लगे इसको हाँ और अगर ये इमाम कहीं इधर उधर किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है ये तक आप नजर रखते हैं अच्छी बात है नजर रखते हैं ठीक है इमाम के पीछे पड़े रहते हैं क्यों उसकी वजह यही है कि आप अपना इमाम वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे इमाम हुसैन ने तस्वर दिया है हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई यजीद को आपने इमाम तस्लीम इसीलिए नहीं किया कि अगर रसूलुल्लाह के नवासे ने उस वक्त उसको अमीरुल मोमिनीन कह दिया होता तो फिर ख़यामत तक आने वाले सब लोग ये दलील बनाते रसूलुल्लाह के नवासे ने जब एक फासिक को फाजिर को इमाम बनाया था तो हमारी मस्जिदों का इमाम चोर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है लोग दलील बना सकते इमाम आलि मकाम ने क़यामत तक आने वालों के लिए एक ऐसा मिशाल पैदा किया एक ऐसी रोशनी बनाई कि उसी के बल्ब होते आज तक हम चल रहे हैं अजीज़ा ने ग्रामी हसनैन करीमा रिदवानल्ला तम हज़ूर पाक सल अल्लाम की गोद में खेलने वाले यहाँ तक कि अक्सर हज़ूर का जुब्बा मुबारक काफ़ी खुशादा होता कभी पहन के आते हैं तो साहबा रिवायत करते हैं कि कभी कभार हज़ू अक्रम सल्ला वसम अपने जुब्बे के अंदर कोई चीज़ छुपा करके आते तो हम देखते कोई कीमती चीज़ छुपा कर आए ठंडियों के दिनों में लेकिन वो कीमती चीज़ वही शहजादे होते थे हुजूर <स्थाथ> <थे। हुझ। स्थाथ> के जुब्बे में छुपे हुए होते हैं हज़रत हसन मुशतबा और हुसैन आज़म रदी अल्लाह आप अंदाजा करें सहाबा इक्राम हजूर सल्ला वम की एक छलक देखने के लिए बेकरार रहते सहबा हजूर के मोहर नबूत को देखने के लिए बेकरार रहते हुकरम सल्लिम के बोसे लेने के लिए बेकरार रहते इन शहजादों की अजमत और उनकी किस्मत को देखें कि हमेशा हजूर के जिसम मुबारक से लगे हुए होते थे यहाँ तक कि सजदे में मेरे आका जाएँ तो उस पर सवार भी हो जाते थे मेरे आका उनको हटाते नहीं थे लंबा सजदा कर लेते लेकिन उन शहजादों को गिरने नहीं देते थे ये उन शहजादों की तरबियत है एक दिन हजरत फातिमा बेकरार थी बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं हजूर पाक सल्ला वसम घर में आए पूछा बच्चे कहाँ हजरत फातिमा कहती है मैं कब से ढूंढ रही हूँ बच्चे नहीं मिल रहे छोटे छोटे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु सल्लाम ढूंढने के लिए भेजे तो देखते हैं मदीने मस्जिद नबी के थोड़ा सा दूर एक दरख्त के नीचे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं खेल रहे हैं लेकिन जिब्राइल अमीन दोनों पर साया किए हुए हैं हाँ फरिश्ते साया किए हुए रहते हैं और यही हसनैन करीमैन हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इनको ख़ुद खिलाया करते थे बच्चों के साथ अगर खेलना हुजूर का साबित है तो इन शहजादों के साथ है कुश्ती लड़ा रहे होते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन की कुश्ती लड़ा रहे हैं होता है घरों में दो बच्चों की कुश्ती लगाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी साइड ले रहे थे हजरत इमाम हसन की साइड ले रहे थे वो बड़े थे और हज़रत हसन को कहते थे हसन तुम हुसैन को यहाँ से पकड़ो इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो जैसे हम बच्चों को कुश्ती लड़वाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह का मुकाबला करवा रहे थे हजरत फातिमा घर में से कहती हैं अब्बा जान ये कैसी बात है आप बड़े की साइड ले रहे हैं हसन बड़े हैं आप उनकी साइड ले रहे हैं हुसैन छोटा है हुजूर पाक फरमाते हैं, फातिमा तुम नहीं देखती हुसैन की तरफ से जिब्राइल हैं जिब्राइल उनसे कह रहे हैं कि हसन को यहाँ से पकड़ो हसन को यहाँ से पकड़ो अल्लाह अल्लाह ये शहजादे वो हैं जिनमें से एक को अंबिया सपोर्ट कर रहा है दूसरे को मलाइका सपोर्ट कर रहा है और वो घराना कैसा जिसके बारे में इमाम जमन कहते हैं बे इजाज़त उनके घर में जिब्राइल आते नहीं कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत ये रसूलुल्लाह के घर वालों की और इनको कभी नाराज़ करना मेरे आका को हर किस पसंद नहीं था हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी इन दोनों बच्चों को नाराज़ होने नहीं देना चाहते इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन जब पैदा हुए हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत इब्राहिम की विलादत हुई थी हुजूर के अपने बेटे भी, भी मारिया किब्तिया से हुजूर के बेटे पैदा हुए उनकी उम्र छः महीने की हो गई थी और हजरत फातिमा के घर में इमाम हुसैन पैदा हुए आगे पीछे थोड़ी सी एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर अपने बेटे को लेकर बैठे हैं बेटा कितना अजीज होता है बेटा अपना बेटा दो बेटे पहले हुजूर के इंतकाल कर चुके थे ये तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम और हजरत फातिमा के बेटे हुसैन दोनों को चूम रहे थे जिब्राइल आए कहा आका अल्लाह ताला की मंशा ये है कि इन दोनों में से किसी एक ही तो किस को आप रख सकते हैं अल्लाह अकबर चुनो तो किसको चुनो एक तरफ बेटा है और एक तरफ नवासा है मेरे आका सल्ला ने दोनों की तरफ देखा और जिब्राइल से कहा अः जिब्राइल हुसैन को मैं मंतखब करता हूँ अपने बेटे को जिस पर वार दिया रसूल पाक सल्लाम ने अपने बेटे को जिन पर कुर्बान किया उस हुसैन आजम का हम तस्करा करने चले हैं मेरे आका सल अल्लाह तसलम ने जिनका हद दर्जे ख्याल किया नमाजों में घरों में और हर जगह यहाँ तक कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर दावत में गए खाना वहाँ पर रखा गया है तो पहले कोई चीज़ मंगवाते और आधा उसमें से करके कहते ले जाओ फातिमा के घर दे आओ उनके घर में फाका है अपने शहजादों का ख्याल फरमाते अपने नवासों का ख्याल फरमाते अजीज़ा निगरानी यही वाहले बै हैं जिनकी शान में कुरान की कई आयतें नाजिल हुई वही तो अमून तो ही मस्किन व यतीमन व असीरा आयत है सूर दहर की उनतीसवें पारे में हुआ यह था कि हजरत फातिमा की कनीज फिजा इन्होंने मन्नत मांगी थी दोनों शहजादे बहुत बीमार थे कि अगर ये सही हो जाए तो हम तीन रोजे रखेंगे अगर ये सही हो गए तो तीन रोजे रखेंगे घर वाले बच्चे सही हो गए रोज़ा रखा सारे लोगों ने मिलकर मौला अली करमल उजोल करीम मजत फातिमा और ये कनीज़ फिज़ा और दो शहजादे हैं। हज़रत अली की कमाई दो दिरहम की थी बागीचे से ख़िदमत के बाद दो दिरहम लाते जिससे इतना आटा आता कि पांच रोटियां बन सकती थी यह अहले बैत का घराना है इफ्तार में रोटियां बनी शाम के वक्त किसी फ़कीर ने आवाज़ दी एक मिस्कीन आया फकीर आया कहा मैंने सुना है कि ये रसूल के घर वाले है। हैं यहल बैच हैं मैं बहुत भूखा हूं मुझे खिला दिया जाए हज़रत फातिमा ने पांचों रोटियां उठा कर दे दी पानी पी करके उन लोगों ने इफ्तार किया दूसरा भी रोज़ा रखा दूसरे दिन हजरत अली फिर आटा ले आए पांच रोटियां बनाई आज के दिन एक यतीम बच्चा आया इफ्तारी के वक्त में उसने भी वही आवाज़ उठाई हज़रत फातिमा ने वो पांचों रोटियां उठाकर उस यतीम को खिलाया आज फिर पानी से इफ्तार किया तीसरा रोज़ा था तीसरे रोजे के दिन हज़रत अली ख़ुद मेहनत करके इतने पैसे ले आए कि फिर पांच रोटियां बनी उस दिन इफ्तार के लिए बैठे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया कहा मैं हर घर को खटखटा लिया मुझे कोई नहीं खिलाया मैंने सुना है कि अहले बैत हैं रसूलुल्लाह के घर वाले यहाँ से वापस नहीं भेजते किसी को हजरत फातिमा ने उस कैदी को भी पाँचों रोटियाँ दे दी तीसरा दिन गुजर गया पेट पीठ से लग गया भूख की शिद्दत है बच्चे ताक में बैठ गए और झुक गए थे ये शाम का वक्त था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए घर में आए पुकारा कहाँ है आवाज किसी की नहीं आ रही थी सब एक एक कोनों में बैठे हुए थे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने पुकारा फातिमा वो आई पूछा क्या माजरा है सुनाया ऐसे ऐसे हमने मन्नत मांगी थी मन्नत मांगो तो रोज़े की मांगो है गुलामों, अहल वैद के ग़ुलाम खाली धागा बांधने और ताला बांधने की नीयत मन्नतें नहीं होती मन्नत कुरान ख़त्म करने की भी करो रोज़ा रखने की भी करो ये अल्लाह को राज़ी करने वाली मन्नतें हैं बहरहाल हज़रत फातिमा ने अर्ज़ किया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी मुझ पर आयत करीमा नाजिल हुई अल्लाह ने फ़रमाया वमोन तमाम ही मस्किन व व असीरा, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मस्किन को खिलाते हैं कभी यतीम को खिलाते हैं और कभी कैदी को खिलाते हैं आका कौन है इन सल्ला वसम ने फ़रमाया बशारत हो फ़ातिमा तुम इम्तहान में कामयाब हो गई ना वो मस्किन था ना वो यतीम था ना वो कैदी था हर दिन अल्लाह का एक फरिश्ता आता था जो अहले का इम्तिहान ले रहा था कि ये कितना अता कर सकते हैं तुम इम्तहान में कामयाब हो गए और उस दिन उनके घर में जन्नत से अल्लाह ने खान न्यामत उतारा अजीज़ा ने ग्रामी यह अहले बैत का घराना है उनके पास इम्तिहान लिया भी गया तो सब अता करते रहे उनकी शान ही यही है अलहमदिल्ला हमने भी बहुत सारे सादात और मशाइ को देखा है वो नवाजने वालों में से हैं अता करने वालों में से हैं रसूल पाक सल्ला तसम की यह सिफात उनके घरों में आज भी पाई जाती हैं